देश के अलग अलग कोने से आप पधारे हैं। मुझे विश्वास है कि आपने इस ऐतिहासिक नगरी के उसके आतिथ्य का और लखनवी लहजे का भी आनंद लिया होगा। साथियों, आप सभी इसी बदलाव को अंगीकार करने वाले जमीन पर चीजों को उतारने वाली टोली है। मेयर हो, कमिश्नर हो या फिर सीईओ हो, आप देश के उन शहरों के प्रतिनिधि हैं जो नई सदी, नए भारत और नई जनरेशन की आशा और आकांक्षाओं के भी प्रतीक हैं। बीते 3 वर्षों से आप करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने में कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ जुटे हैं। कुछ देर पहले मुझे यहां जो प्रदर्शनी लगी उसे देखने का अवसर मिला। वहां देश भर में चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। स्मार्ट सिटी मिशन में बेहतरीन काम करने वाले कुछ शहरों को पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ भाई बहनों और बेटियों को उनके अपने मकान की चाबियां भी सौंपी गई और चाबियां मिलने पर जो चमक उनके चेहरे पर थी, उज्जवल भविष्य का जो आत्मविश्वास उनकी आंखों से झलक रहा था, वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसे अनेक लाभार्थियों से यह मंच पर आने से पहले मुझे बातचीत करने का मौका मिला। देश के गरीब बेघर भाई बहनों के जीवन को बदलने क्या ये अवसर और बदलते हुए देखना, ये सचमुच मैंने जीवन को एक बहुत बड़ा संतोष देने वाला अनुभव है। जिन शहरों को पुरस्कार मिले हैं उन शहरों के हर नागरिक को और जिनको अपना घर मिला है उन सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप लोगों ने मार्क किया होगा, जब मैं अवार्ड दे रहा था सब लोग आ रहे थे, मार्क नहीं किया होगा। सिर्फ 2 ही पुरुष मेयर हैं, बाकी सारी महिला मेयर हैं। हमारी बहनों ने जिस जीवन के साथ इस काम किया है, जरा सभागृह में और तालियां उनकी बहनों के लिए बन जाए। साथियों, शहर के गरीब बेघर को पक्का घर देने का अभियान हो, 100 स्मार्ट सिटी का काम हो या फिर 500 अमृत सिटी हो, करोड़ों देशवासियों के जीवन को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने का हमारा संकल्प आज 3 साल बाद और अधिक मजबूत हुआ है। आज भी यहां उत्तर प्रदेश के शहरों को स्मार्ट बनाने वाली अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और मुझे बताया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश भर में लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है और 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम तेज गति से चल रहा है। इस मिशन का लक्ष्य है शहरों में रहने वाले गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को आसान बनाना, उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाएं देना। स्मार्ट सिटी में इन सुविधाओं को देने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स, ये उनकी आत्मा की तरह है।
यहीं से पूरे शहर की व्यवस्थाओं का संचालन होना है, शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जानी है। साथियों, मिशन के तहत चयनित 100 शहरों में से 11 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है और अगले कुछ महीनों में ही 50 और शहरों में ये काम पूरा करने का प्रयास चल रहा है। ये प्रयास परिणाम भी देने लगे हैं और मुझे बताया गया है कि गुजरात में राजकोट शहर में इस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था से जो कुछ परिस्थिति बदली है, पिछले 2 क्वार्टर में क्राइम रेट में काफी बड़ी मात्रा में कमी आई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की वजह से गंदगी फैलाने और सार्वजनिक जगह पर कूड़ा जलाने जैसी कई प्रवृत्तियों में भी इसके कारण कमी आई है। भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में इसके कारण वृद्धि दिखाई गई है। अहमदाबाद में बीआरटीएस कॉरिडोर, उसमें फ्री वाईफाई से बसों में आने जाने वालों की संख्या अपने आप बढ़ने लगी है। विशाखापट्टनम में सीसीटीवी और जीपीएस से बसों को ऑनलाइन ट्रैक किया जा रहा है। पुणे में लगभग 125 जगहों पर इमरजेंसी कॉलबेल्स लगाए गए हैं, जहां एक बटन दबाने भर से ही नदी की पुलिस स्टेशन को सूचना मिल जाती है। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं आज काम करना शुरू कर चुकी है। बहुत जल्द ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद और ये हमारा लखनऊ, इसमें भी ऐसी सुविधाएं आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ अर्बन इंडिया का हमारा मिशन और लखनऊ का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। लखनऊ शहर देश के शहरी जीवन को नई दिशा देने वाले महापुरुष श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही। हमारे प्रेरणा स्रोत और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये लंबे समय तक संसदीय क्षेत्र रहा है। आजकल अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना पूरा देश कर रहा है, लेकिन अटल जी ने जो बीड़ा उठाया था उसको एक अलग बुलंदी देने के लिए की तरफ हमारी सरकार करोड़ों हिंदुस्तानी तेज गति से उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, अटल जी ने एक प्रकार से लखनऊ को देश के शहरी जीवन के सुधार की प्रयोगशाला बनाया था। आज आप यहां लखनऊ में जो फ्लाईओवर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, ये जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के इर्द गिर्द लगभग 1000 गांवों को लखनऊ से जोड़ने वाली जो सड़कें देख रहे हैं, ऐसे तमाम काम लखनऊ में उनके एमपी के रूप में उनका जो विजन था उसका परिणाम है। आज देश के 12 शहरों में मेट्रो या तो चल रही है या फिर जल्द शुरू होने वाली है। यहां लखनऊ में भी मेट्रो के विस्तार का काम चल रहा है। अर्बन ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली इस व्यवस्था को सबसे पहले दिल्ली में जमीन पर उतारने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। दिल्ली मेट्रो की सफलता आज पूरे देश में दोहराई जा रही है। साथियों, अटल जी कहा करते थे कि बिना पुराने को संवारे
नया भी नहीं संवरेगा। ये बात उन्होंने पुराने और नए लखनऊ के संदर्भ में कही थी। यही आज के हमारे अमृत, और उसका नाम भी अटल जी से जुड़ा हुआ है, ये अमृत जो हम कह रहे हैं, अमृत योजना, उसका पूरा शब्द है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए ये हमारी प्रेरणा है। इसी सोच के साथ अनेक शहरों में दशकों पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। इन शहरों में सीवेज की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट में सुधार, झील, तालाब और पार्कों के सुंदरीकरण की व्यवस्था, इसको बल दिया जा रहा है। साथियों, शहर की झुग्गियों में खुले में जीवन बसर करने वाले गरीब बेघर भाई बहनों को उनका अपना घर देने की योजना आज चल रही है। इसी की शुरुआत भी अटल जी ने ही की थी। साल 2001 में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना देशभर में अटल जी ने प्रारंभ की थी। यही लखनऊ में ही इस योजना के तहत करीब 10,000 गरीब भाई बहनों को अपना मकान मिला था। आज जो योजनाएं चला रही हैं, उसके मूल में भावना वही है, लेकिन हमने स्पीड, स्केल और क्वालिटी ऑफ लिविंग को हम एक अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार 2022 तक हर सिर पर छत देने का प्रयास कर रही है। जब आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा ना हो जिसका अपना घर न हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीते 3 वर्षों में शहरी इलाकों में 54 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांवों में भी 1 करोड़ से अधिक मकान जनता को सौंपे जा चुके हैं। आज जो मकान बन रहे हैं, उनमें शौचालय भी है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी है, उजाला के तहत एलईडी बल्ब भी लगा है, यानी एक पूरा पैकेज उनको मिल रहा है। इन घरों के लिए सरकार ब्याज में राहत तो दे ही रही है, पहले के मुकाबले अब घरों का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। साथियों, ये जो मकान दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ गरीब बेघर के सिर पर छत ही नहीं है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का ये जीता जागता सबूत है।